एमपी में कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा, आंदोलन करने वाले किसान संगठन दलाल, देशद्रोही, विदेशी शक्तियों से पलने वाले संगठन हैं। उन्होंने कहा, देश में अचानक 500 किसान संगठन पैदा हो गए हैं, ये किसानों के नहीं दलालों के संगठन हैं। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा, केंद्र के कृषि बिल के बाद कांग्रेसी और इसका विरोध करने वाले जनता और किसानों के बीच जाने लायक नहीं रहेंगे, इनका राजनीतिक अस्तित्व खत्म हो जाएगा। और इसीलिए जैसे ही बाढ़ आती है और बाढ़ में जब पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है तो सांप, बिच्छू, गोयरा, नेवला जितने भी तरह के जीव हैं इस पेड़ पर चढ़ने लगते हैं और जान बचाने के लिए एक साथ एकत्रित होने लगते हैं। इसी प्रकार देश भर में विकास की और मोदी जी की बाढ़ आई हुई है और सारा विपक्ष उसमें बह रहा है, सब एकत्रित हो गए हैं और विरोध कर रहे हैं, किसानों को गुमराह कर रहे हैं। मध्य प्रदेश का कृषि मंत्री होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है कि किसानों को आपके माध्यम से कानून के बारे में बताऊं, किसान गुमराह ना हो। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने तय किया है कि इस कानून के बारे में जागरूकता लाएंगे, जन जागरण अभियान के माध्यम से किसान को बताएंगे कि किस प्रकार कुकुरमुत्ते की तरह 500 किसान संगठन अभी बना लिए गए हैं। ये किसान संगठन नहीं है, दलालों के संगठन हैं, ये देश द्रोहियों के संगठन हैं। जो विदेशी शक्तियां देश को मजबूत नहीं होने देना चाहती, ये उनके पैसों पर पलने वाले संगठन हैं। और किसान आत्मनिर्भर होगा तो कांग्रेस सहित सारे विपक्षी दल जो मोदी जी का विरोध कर रहे हैं वो मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, वो जनता और किसानों का गरीबों के बीच में जाने लायक नहीं रहेंगे, इनके राजनीतिक अस्तित्व खत्म हो जाएगा। और इसलिए जैसे कि बाढ़ आती है और बाढ़ में जब पानी बहुत ज्यादा हो जाता है, घरों में घुसता है, तो सांप, बिच्छू, गोरिया, नेवलिया जितने भी लोग एक पेड़ पर चढ़ते हैं, जितने भी जीव लगा और अपनी जान बचाने के लिए एक दूसरे को देखते थे, इकट्ठे हो जाते, एक दूसरे के ऊपर जो आंखों फूटी नहीं सामते थे वो एक हो गए। इसी प्रकार देश में विकास की और मोदी जी की बाढ़ आई हुई है, सारा विपक्षी उसमें बह रहा है और इसलिए सारे इकट्ठे हो गए और विरोध कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं देश को। और इसलिए मैं मध्य प्रदेश का कृषि मंत्री होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि किसानों को इस कानून के बारे में आपके माध्यम से सीधे किसानों तक पहुंचे, वो किसान गुमराह ना हो। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश और केंद्र ने नेतृत्व तय किया है कि पूरे देश में इस कानून के बारे में जागरूकता लाएंगे, जन जागरण अभियान चलाएंगे, किसानों को बताएंगे कि किस प्रकार विपक्ष और तथाकथित कुकुर मुद्दे की तरह हुआ है किसान संगठन, 500 किसान संगठन ये अभी अभी बन गए, ये किसान संगठन नहीं है, दलों के संगठन है, बिचौलियों के संगठन है, देशद्रोहियों के संगठन है, जो विदेशी शक्तियां देश को मजबूत होना नहीं देना चाहती उनके संरक्षण में उनके पैसे से पलने वाले संगठन है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक देख रहे हैं दखल न्यूज़।